तो आप सभी को जो है इस सेक्शनल कट ऑफ को देख करके डरना ना नहीं है। टायर वन के रिगार्डिंग इन्होंने दे रखा है कि यूआर में 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25% और अदर्स का 20%। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टायर वन का कट ऑफ जो है इस सेक्शनल कट ऑफ से कहीं ना कहीं ज़्यादा जाती है। बात करते हैं दूसरी कि इस कट ऑफ का इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, तो फिर मैं आपको बता दूं कि टायर सेकंड के पेपर थ्री और पेपर फोर में जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, फिर जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट जो होती है, उन सही में लोग करते क्या है कि मैथ और इंग्लिश के दम पर इन सही पोस्ट को ले जाते हैं। इसके कारण जो है उन्हें सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस YouTube चैनल पे। आप सभी के लिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि SSC सीरियल 2019 का, जिसका इंतज़ार आप सभी ने सुबह से लेकर शाम तक 22 अक्टूबर को किया है, उसका फाइनल जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बात बता दूँ कि इस वीडियो में एग्ज़ाम डेट के बारे में टोटल चीज़ें रखा है, टायर सेकंड और टायर थर्ड के एक दिन में लेने जाने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं उसके बारे में डिस्कस कर रखा है, एलिजिबिलिटी अभी क्या होनी चाहिए और इस एलिजिबिलिटी को हमेशा ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, वरना हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आप छाटे जा सकते हो। जेएसओ और EEO के क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को एक चीज़ का डाउट होता है कि क्या उन्हें कॉमर्स लेके पढ़ना ज़रूरी है और क्या उन्हें जेएसओ क्वालिफाई करने के लिए जो है आप सभी को क्या स्टैटिस्टिक्स लेकर के पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पहली बात तो कि लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बोल दूं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि SSC सीरियल 2019 से रिलेटेड जितने भी सारे नोटिफिकेशन आते जाएंगे, जितने भी सारे उसमें अमेंडमेंट होते जाएंगे, उन सभी का डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा, एग्जामिनेशन रिलेटेड भी और सभी के सभी तरह के डिस्कशन किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सबसे पहली बात तो किया सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब हम लोग वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन के सबसे फर्स्ट पेज पे आपका ये चीज़ मेंशन किया गया है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 22 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक है, और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मतलब 25 नवंबर तक, ठीक है, संध्या के 5 बजे तक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आपका मेन पॉइंट यहाँ पे रहा कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान, तो वो है आपका 29 नवंबर तक। फिर बात कर लेते हैं टायर वन के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो 2 मार्च 2020 से 11 मार्च 2020 तक है, मतलब कि अप्रोक्स आप सभी का 10 दिन में ये एग्ज़ाम को जो है कंक्लूड कर लिया जाएगा, जो कि आपका सीजीएल 18 का भी हुआ था। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं डेट ऑफ टायर सेकंड और टायर थर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पर लोगों को सबसे बड़ा खुजली होने लगेगा कि 2016 और 17 में भी लिखा हुआ, सॉरी 17 में लिखा हुआ था बट वैसा नहीं हुआ था, 18 में भी था बट ऐसा नहीं हुआ था, तो इस बार भी जो है नहीं होगा। इस बार SSC ने एक फिक्स बात वो रखा है कि इन दोनों का एग्ज़ाम टायर वन के पास होने वाले लोगों को देना होगा। क्रिटेरिया दूसरा उसमें उनका ये है कि आपको टायर सेकंड में जो है क्वालिफाई करके टायर वन प्लस टायर टू को क्वालिफाई करने के बाद टायर थ्री का आपका पेपर जो है चेक होगा, मतलब टायर वन के जितने भी लोग पास करेंगे उन्हें इस एग्ज़ाम को देने का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बाकी बात का SSC का काम है, वो कुछ भी चेंज कर दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये रहा आपका डिटेल्स ऑफ पोस्ट में मैं लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहली बात जो कि आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे आप देख सकते हो पहले यहाँ पे लिखा होता था 2800 ग्रेड पे, लेकिन अब जो है यहाँ पे बैंड दिया हुआ है 47,600 से 1,51,100 तक आपकी सैलरी रह सकती है। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। मिनिस्ट्री कौन सा है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CA&AG ग्रुप बी पोस्ट में आता है नॉन मिनिस्ट्रियल, और यह हालांकि गैजेटेड है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका पोस्ट जो है गैजेटेड होती है। नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो OH में OA, OL, BL, and HS वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसका होगा 30 से पार नहीं जाना चाहिए UR का। फिर ग्रुप, फिर सेकंड नंबर पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, वो उसका भी
जॉइनिंग जो है होने वाला है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सी एंड ए जी, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल बट इट इज़ ए गैजेटेड पोस्ट। फिर आपका नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी कौन सा चलने वाला है, तो OH, OA, OLBL, ठीक है, इन सभी जो है चलने वाले हैं। और 30 साल से ऊपर जो है आपको एक्स्ट्रा नहीं जाना है आपका एज। अब इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी सारे आपके कन्फ्यूजन्स एवं डॉट होते हैं उन सभी को मैं लेकर के आया हूँ, बस बने रहिए थोड़ा सा लास्ट तक। पे लेवल 7 की हम बात करते हैं, 44,900 से 142,400 तक की है, और इसमें ये सभी के सभी पोस्ट जो है आते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि पहले आपके हुआ करता था 4600 ग्रेड पे, ठीक है, तो आप इन सभी को देख सकते हो। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस CSS, इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है लोगों में। फिर ASO IB में, फिर ASO रेलवे में, फिर ASO एक्सटर्नल अफेयर्स में, फिर ASO AFHQ में, फिर असिस्टेंट इन सही में। आप इनके आगे जो है आपका नेचर ऑफ फिजिकल एबिलिटी डिसेबिलिटी जो है यहाँ पर, सॉरी, तो नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हो। एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख ले सकते हो, इसमें कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। जहाँ पर 20 से 30 है आप अपना खुद से जोड़ के देख लो कि आपका कितना है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी चांसेस है कि आपको छाड़ दिया जाएगा। अब फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कि असिस्टेंट इन सभी का आप देख ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी कौन कौन से चलने वाले, यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। फिर 30 साल से ऊपर नहीं जाना है आप सभी को, यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो। जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 20 से 30 साल, वहाँ पर 20 से 30 साल चलने वाले हैं। जहाँ पर लिखा हुआ नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, वहाँ पर बस और बस आपका 18 से 30 तक चलने वाला है। सबसे पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फिर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर, इन सभी की अप टू 30 ईयर्स, इसमें 20 to 30 ईयर्स, इसमें 18 से 30 ईयर्स। आप इन सभी को आप खुद से भी देख ले सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं होगा। जो मेन पॉइंट है उस पर मैं लेके चलना चाहता हूँ आपको सीधे सीधे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो पे लेवल 6 का, ठीक है, ओके। फिर सबसे मेन चीज़ यहाँ पर JSO, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इसके आगे हम चल लेते हैं, ठीक है। आप इन सभी को खुद से भी देख ले सकते हो, इसमें कोई बहुत भारी इशू नहीं है। मैं नोटिफिकेशन के PDF को जो है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लेकर के आया हूँ। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडिटर वगैरह, यहाँ पे आप पे लेवल को, मेन है कि आपका पे लेवल को देखना है। फिर यहाँ पर ग्रुप सी पोस्ट है, फिर यहाँ पर ये फिजिकल डिसेबिलिटी कौन सा चलने वाला है, फिर यहाँ पर एज लिमिट क्या होगा आपका, ठीक है। पे लेवल 4 में फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2400 ग्रेड के पे वाले ये पहले पोस्ट हुआ करते थे, अब इन्हें जो है वही पे लेवल 25,500 से 81,100 के बीच में लेते आया गया है। अब यहाँ पर जो है आप सभी का मेन पॉइंट जो कि आपका दिया हुआ है, इसे आपको सबसे पहले देखना है। जब भी आप प्रिफ्रेंस दोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड्स का एक एनेक्सचर दिया हुआ है, उसे आप एक बार देख लें। क्योंकि थोड़े से भी मिस फुलफिलमेंट होने पे आप सभी को जो है DV से सीधे सीधे बाहर कर दिया जाता है उन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो और दूसरी बात कि अगर आपको जब भी पोस्ट अलॉट अगर हो जाती है तो आपको दूसरी पोस्ट नहीं मिलती है। और जब भी ये इन सभी चीज़ों की जब है फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट के बारे में बात अगर करते हैं हम, तो SSC में CGL के रिस्पेक्ट में आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही होता है, इसीलिए आप सभी को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी करके आया हुआ, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए आपका VH लिखना है, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए आपको HS लिखना है, लोकोमोटर के लिए OH लिखना है, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस के लिए आपको अदर्स वगैरह में फॉर्म फिलअप करना है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लो एक्स सर्विसमैन के लिए एक चीज़ लिखा गया है कि ग्रुप सी के पोस्ट के लिए उनके पास रिजर्वेशन है, ठीक है। अब फिर हम आगे बात कर लेते हैं। जितने भी सारे
नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स हैं उन्हें मैं सबसे पहले मैं लेकर के आया हुआ हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो कि आपका एज लिमिट होगा और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगा, ठीक है, इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ। एज लिमिट और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका होगा वो 1/1/2020 का होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2020 तक आपका इतना साल पूर जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्लॉज के बारे में दिया हुआ है कि अगर आपको जहाँ जहाँ पर 18 से 27 मांगा गया है, जहाँ पर आपका 20 से 27 मांगा गया, जहाँ पे आपको 30 और जहाँ पे आपको 32 वर्ष मांगा गया है, उसका मतलब क्या होता है। अगर जैसे कि 18 से 27 अगर है तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर दैन 2/1/1993 एंड नॉट लेटर दैन 1/1/2002, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को, इन सभी पॉइंट्स को आप देख सकते हो। सिंपल सी बस इतनी सी बात है कि अगर आपको जिस पोस्ट में 27 साल पुरानी हो तो वो आपका 1/1/2020 के पहले, 1/1/2020 के पहले तक का नहीं, उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो भी आपका एज लिमिट और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका होगा 1 जनवरी 2020 के रिस्पेक्ट में आपका कैलकुलेट किया गया है, ओके। फिर यहाँ पे कुछ कुछ जो रिलैक्सेशन दी जाती है, जो कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के लिए सबसे पहली बात होगी 5 साल का, ठीक। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरिन कंट्री, उनके लिए 3 साल का। फिर डिफेंस पर्सनल जो कि एससी या एसटी के होते हैं वो 8 साल के। फिर बाकी आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो कि आपके होते हैं, उन्हें 40 साल तक का दिया जाता है। जो कि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं 45 साल तक का दिया जाता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जिन्होंने कि 3 साल का रेगुलर अपने सर्विस दे रखा है, उनके लिए 45 साल का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर हम एक पॉइंट एक आता है जिसके कारण कि CGL 18 में सबसे बड़ा पंगा हुआ था एग्जामिनेशन देने को लेकर के। लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाई द कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग द एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांटेड। ये बात मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि जब भी आप कोई भी फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज नहीं करवा सकते हो। तो वही क्रिटेरिया यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो अगर आप फॉर्म में फिल कर रखे हो और अगर वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से अगर मैच नहीं करेगा तो उसे आगे चल के आप चेंज नहीं करवा सकते हो, मतलब आपका एप्लीकेशन जो है वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। अब कुछ कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का डॉट होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर हर किसी को एक बहुत छोटा सा डॉट होता है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा होता है 25 नवंबर 2019 तक का आपका OBC का सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBC मस्ट इंश्योर दैट ही और सी प्रोसेसेस द कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डस नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। और क्रूशियल डेट जो आपका होगा 25/11/2019 का। लेकिन यहाँ पर एक और बात उन्होंने आगे चल के लिख रखा होता है जो कि आप पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो। कैंडिडेट्स में ऑल्सो नोट डैट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल, ठीक है। तो इस प्रोविजनल को थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके पढ़ना था, ठीक। और तो इसका जो है प्लस बाकी भी सारे सर्टिफिकेट्स का जो कि आपका PW का आप दोगे, EWS का दोगे, SC का दोगे, ST का दोगे, OBC का दोगे, सभी का आप जो भी दोगे वो आपको 25 नवंबर 2019 तक का बना हुआ होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात आपका ये, अगर आपका बना हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कभी भी बनवा ले सकते हो। होता है क्या है कि वहाँ पर जब भी आपका सिलेक्शन जब होता है तो वो आपको किस चीज़ में डाल देते हैं, प्रोविजनल केसेस में, मतलब आपका डिपार्टमेंट जो है वेरीफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ बात कर लेते हैं स्क्राइब को लेकर के। एक
मन में एक डॉट होता है कि अगर मेरे पास मेरे आजू बाजू में अगर कोई है, ठीक है, मैं एक बहुत ही फैक्ट बात मैं बताऊंगा। दिल्ली का एक लड़का था, उसने मुझे बताया था ये बात कि भाई मेरे पास बगल वाले में एक लड़का है, वो एक्चुअली में हैंडीकैप्ड है, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं कंफर्म, लेकिन हाँ उसे स्क्राइब की ज़रूरत है, इतना मुझे ध्यान है। कि क्या उसके बदले मैं एग्ज़ाम दे के चले आऊँ, थोड़ा बहुत मेरे को बेनिफिट भी होगा। तो मैंने बोला था उसमें पे कि मुझे तो नहीं पता, और शायद वो गया था या नहीं वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है एसएससी ने बहुत ही कंफर्म यहाँ पे एक चीज़ लिख रखा है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये पॉइंट को, आप ध्यान से नोट करके चलना। ऑन स्क्राइब शुड नॉट बी ए कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इफ ए कैंडिडेट इज डिटेक्टेड एज असिस्टिंग असिस्टिंग अनदर पीडब्ल्यू कैंडिडेट एज ए स्क्राइब इन दिस एग्जामिनेशन देन द कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेचर्स ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड। तो फिस जो भी आप हैंडीकैप्ड हो जो, और जो कैंडिडेट है जो, दोनों का कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया जाएगा, दोनों को एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, पहला चीज़। यहाँ पर दूसरे चीज़ों की हम बात करते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ ये पॉइंट को। ठीक है, कुछ कुछ मैं मेन पॉइंट को मैं लेकर के आया हूँ जिसमें कि लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। इन केस द कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर हिस और हर ओन स्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब मस्ट बी वन स्टेप बिलो द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट टेकिंग द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ऑप्टिंग फॉर ओन स्क्राइब शैल बी सबमिटेड। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप पढ़ लेना, मैं इसका सिंपल सा मीनिंग में आपको बता देता हूँ। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन अगर हो, और अगर आपको स्क्राइब की अगर ज़रूरत है, तो आपकी क्वालिफिकेशन से एक स्टेप नीचे उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वरना आपको जो है उस स्क्राइब को लेकर के जाने का ऑफर नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप अपने तरफ से स्क्राइब नहीं लेकर के जाते हो, तो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आप सभी को स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसके लिए भी आप बिंदास होकर के एग्ज़ाम देने जाएँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। इसमें भी बहुत सारे लोगों को डॉट रहता है, क्योंकि फॉर्म भरते समय बहुत सारे लोग ये डर के नहीं फॉर्म भरते हैं कि डबल ए और जे एस ओ में वो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत एक सिंपल सा, आप डिसायरेबल का मतलब मैं आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ। डिसायरेबल का मतलब होता है अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में उन्होंने सबसे पहले दे रखा है। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, डिसायरेबल इन्होंने दे रखा है। या तो फिर आप सीए कर लो, या तो फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़, या तो फिर आपका एमबीए होना चाहिए फाइनेंस से, या तो फिर आपका मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिंपल सा मतलब है अगर आप ग्रेजुएट अगर हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए जो है ऑप्ट कर सकते हो। ठीक, दूसरी बात हम आते हैं जेएसओ के लिए लेकर के। जेएसओ में एक छोटी सी आप मतलब कि दुविधा है, वो ये दुविधा है कि अगर आप लोगों ने वो इस फॉर्म को सबसे पहली बात है कि दो ही लोग भर सकते हैं, या तो फिर अगर आपने 12th में मैथ पढ़ रखा हो, साथ ही साथ आपके मैथ्स में जो है अकेले का 60% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, वरना डीवी के समय पर आपको इस पोस्ट को अलॉट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, या तो फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें कि आपका स्टैटिस्टिक्स जो है किसी भी एक सब्जेक्ट के रूप में आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, नो मैटर कि वो आपका ऑनर्स है, नो मैटर वो आपका सब्सिडियरी है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो आपका होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड थर्ड। तो इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द थ्री ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। यहाँ पर उन्होंने कन्फर्म दे रखा है कि आपको जो है बैचलर डिग्री में आपको स्टैटिस्टिक्स लेकर के पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपका स्टैट्स जो है वो आपको तीनों साल में आपका होना चाहिए। फिर बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए बस और बस आपका सिर्फ और सिर्फ डिग्री बस ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के। और यहीं पे जो है थोड़ी बहुत जो है कन्फ्यूज़न हो जाएगी इसके आगे में, तो मैं ये बात बता दूँ कि टायर वन आपका वही रहने वाला है जो पिछले साल तक रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, रीजनिंग
अवेयर, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और कॉम्प्रीहेंसन, मतलब इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन, जो कि आपका होता था 60 मिनट का, और ये जो है जो कि स्क्राइब को लेकर के जाएंगे, उनके पास 1 घंटे 20 मिनट का समय है। क्वेश्चन 25 25 25 25 और मार्क्स जो है इंटू टू। दूसरी बात, आपका टायर सेकंड में जो है क्वांट होगा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज होगा, फिर पेपर थर्ड में आपका स्टैट्स होगा, फिर पेपर फोर में आपका जीएस होने वाला है। ठीक है, अब हम आगे चल देते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेबस इन्होंने दे रखा है, सिलेबस आप चाहो तो रीड कर ले सकते हो, हालांकि कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। अगर आपको रियल में सिलेबस देखना है तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाइए और वहाँ से देखिए। फिर आपका टायर सेकंड को लेकर के सिलेबस आपका उन्होंने दे रखा है, फिर इंग्लिश पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में दे रखा है, तो इन सभी चीज़ों को आप खुद से पढ़ सकते हो। मैं फालतू का वीडियो नहीं खींचना चाह रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही वीडियो 20 मिनट का हो चुका है अप्रोक्स। फिर पेपर थर्ड स्टैट्स के बारे में उन्होंने दे रखा है, इतना बड़ा सिलेबस है तो आप चाहो तो इसे भी देख ले सकते हो अगर आप तैयारी करते हो तो। ठीक, फिर पेपर फोर की हम बात कर लेते हैं, तो इतना बड़ा सिलेबस है, आप इसे भी देख ले सकते हो। फिर यहाँ तक आप सिलेबस देखने में आपको ख़त्म कर दोगे। फिर यहाँ पर हम आते हैं स्किल टेस्ट को लेकर के। यहाँ पर सबसे बड़ा मैं डॉट आपको दूर करना चाहता हूँ कि आपका जो स्किल टेस्ट जो होने वाला है 8000 की डिप्रेशन पर आवर, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो है 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने हैं। ठीक है, और ये कौन से पोस्ट के लिए होगा? फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट्स इन सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स। ठीक है, फिर आपका दूसरे पॉइंट पे हम यहाँ पे हम आते हैं, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका आपके फाइनल मेरिट से लेना देना कुछ भी ना नहीं होता है। ठीक, फिर आपका हम बात कर लेते हैं सीपीटी के रिगार्डिंग में। सीपीटी पहले होता क्या है, सीपीटी होता है क्या, इसमें तीन तरीके से आपको चेक किया जाता है। पहला आपका होता है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें कि आपको सिंपल सा आपको लिखना होता है। सेकंड में होता है स्प्रेडशीट, ठीक है, मतलब कि आपका स्प्रेडशीट का मतलब ही हो गया एक्सेल। और थर्ड में आपका हो जाता है जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। और ये कौन कौन से पोस्ट के लिए होता है वह मैं बात आपको पहले बता दूं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, एमईए एंड एएफएचक्यू। असिस्टेंट जो कि होता है आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मतलब SFIO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। फिर असिस्टेंट जो होता है आपका GSI, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर इन CBIC। ठीक है, तो यही बस था आपका इसमें। तो ये आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, अब इसके बाद कुछ ज़्यादा ना नहीं बचता। आप यहाँ से आप चाहो तो वीडियो स्किप करके भी जा नहीं सकते हो, ठीक है, ऐसा ही मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है। तो हम देखते हैं कि टायर वन में आपका सेक्शनल क्वालिफाइंग दिया गया है, ये टायर वन का ओवरऑल है। ठीक है, पहली बात, 30% आपको क्वालिफाई करने के लिए नंबर्स लाने पड़ेंगे। हालांकि आपको पता ही होगा कि आपका कट ऑफ जो जाती है वो 120 130, तो वो 30% से भी ऊपर है। बट इसका सिंपल सा लॉजिक है कि इसको लाया क्यों गया। होता था क्या कि टायर सेकंड में इंग्लिश और मैथ्स के दम पे लोग जो थे JSO, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन सभी पोस्ट को ले जाते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए जो है ये सेक्शनल क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है लाया गया है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टायर वन के मार्क्स के आधार पर टायर सेकंड के लिए आपको छांटा जाएगा, मतलब आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। फिर टायर सेकंड में जो है टायर पेपर वन प्लस पेपर टू का एक सेक्शनल, एक अलग से भी एक कट ऑफ होगा, दूसरी बात एक सेक्शनल कट ऑफ होगा, फिर पेपर थ्री और पेपर फोर का अलग अलग, दोनों का अलग अलग जो है आपका सेक्शनल कट ऑफ जो है होने वाला है, जो कि आपका यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर्स के लिए 20% आप सभी का होने वाला है। ठीक है, फिर आपको इसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आपको टायर वन के बाद टायर टू और टायर थ्री दोनों देने के लिए, ऐसा फ़िलहाल SSC ने कह रखा है कि आपको दोनों के दोनों एग्ज़ाम आपको देने का मौका मिलेगा। होगा क्या कि जब आपका टायर सेकंड के लिए आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर जाओगे, जो कि आपका ओवरऑल कट ऑफ होगा, उसके बाद ही आप सभी का जो है
एट हर्ट के पेपर जो है चेक करी जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन टायर वन टू एंड टायर थ्री एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल शॉर्ट लिस्टेड टू अपियर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट, दैट इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ठीक है। तो पेपर वन, सॉरी टायर वन, टायर टू और टायर थ्री के आधार पे ही आपको कौन से एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किया जाए, या तो फिर आपका सीपीटी हो सकता है, या तो फिर आपका टेस्ट के लिए हो सकता है, या तो फिर और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही हो सकता है कि आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, तो मेरिट लिस्ट जो है टायर वन टू एंड थ्री के एग्जामिनेशन को मिला करके किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन टायर वन टू एंड थ्री एग्जामिनेशन एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। तो आपका अपना प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट भी अच्छे से वहाँ पर देना है, क्योंकि वो जो है वहाँ पर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यही था आपका डिटेल नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ कि आप सभी को मैंने टोटल पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे से मिस्टेक हुआ है, या तो फिर कहीं ना कहीं मैंने कुछ छोड़ कुछ दिया है, आप बेशक आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। दूसरी बात, आप सभी को इस वीडियो को प्लीज़ अगर पसंद पड़े तो इसे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आपके बगल में एक बेल आइकन होती है उसे आपको प्रेस कर लेना है, ताकि आपके पास वो सभी के सभी नोटिफिकेशन चले जाएं जो कि मैं यहाँ पर किसी न किसी न्यू वीडियो के रूप में डालता हूँ। तो चलता हूँ मैं, थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।